हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने 3ds-Max का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने देखा था कि इससे डिफरेंट डिफरेंट हम लोग स्टैंडर्ड आइटम्स बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा लेक्चर है। जिस लेक्चर में हम लोग ग्रिड की सेटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ नए शेप्स जो हम खुद से बनाने हों उनको कैसे बनाएंगे उनके बारे में सीखेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पर हमारे पास ग्रिड है, यहाँ भी ग्रिड है और यहाँ भी ग्रिड है और यहाँ भी ग्रिड है। अब ग्रिड तो एक ही है, इसको एडिट कैसे करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप यहाँ पे देखिए स्नैप्स होते हैं, स्नैप पे आपको राइट क्लिक करना है। इसे राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास आता है होम ग्रिड। क्या आता है? होम ग्रिड। होम ग्रिड में अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ ग्रिड स्पेसिंग्स, मीन्स यहाँ पे ग्रिड की जो स्पेसिंग्स है वो स्पेसिंग्स क्या क्या है। अब इसी में 10 है, माइट बी इसकी सेटिंग जो हुई है वो 10 सेंटीमीटर इस तरीके से भी हुई है, क्योंकि अभी हमने यूनिट आपको नहीं पढ़ा है। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मेजर लाइंस एवरी एंथ लाइंस। अगर आप देखें तो 10 लिखा हुआ ना, 10 बॉक्सेस के बाद एक डार्क लाइन आपको दिख रही होगी। देखिए डार्क लाइन दिख रही होगी, दैट डार्क लाइन इज कॉल्ड मेजर लाइंस। क्या कहते हैं इसको? मेजर लाइन। ये कब आएगी? 10th के बाद, मतलब 10 में लाइक लाइंस हो जाएंगे इसके बाद। एंड यहाँ पे नीचे लिखा हुआ पर्सपेक्टिव व्यू ग्रिड एक्सटेंड, पर्सपेक्टिव व्यू बोले तो दिस व्यू और ग्रिड, इसमें कितनी ग्रिड्स हैं? 7। इसमें अगर आप देखें तो इस कॉर्नर पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरीके से 7 के कॉर्नर्स बने हुए हैं। अब हमें बात आती है कि अगर हमें इसको कम ज्यादा करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको पर्सपेक्टिव में ज्यादा ग्रिड चाहिए तो आप इस तरीके से पढ़ा दीजिए, जितना ग्रिड चाहिए आपको पढ़ा दीजिए इस तरीके से। आपको मेजर लाइंस एवरी एंथ लाइंस, उस लाइनों के बाद मेजर लाइन चाहिए, आप ऐसे इंक्रीज कर दीजिए। अब आप चाहते हैं कि मेजर लाइन आपका जो 20 के बाद दिखे, ये देखिए दूर दूर हो गया मेजर एंथ लाइंस, यहाँ आ गए। कम करना है आप यहाँ से कम कर दीजिए, ये हो गया। ठीक है, ये देखिए ग्रिड स्पेसिंग, आपको ग्रिड की स्पेसिंग ज्यादा रखनी है, मान लीजिए 12 रखनी है, तो ये देखिए स्पेसिंग रखते जाइए आप यहाँ से बाहर, या डायरेक्ट आप यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं कि आपको कितनी रखनी है। Okay? तो इस तरीके से हम लोग ग्रिड की सेटिंग्स को ऑन करते हैं। चलिए, इधर आ ग्रिड की सेटिंग। अब हम लोग नई चीज सीखते हैं, इस तरीके से हम अपने शेप को ड्रॉ करेंगे। उसके लिए यहाँ पे शेप नाम का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक ऑन शेप, और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है लाइन। ठीक है, तो लाइन आपको कोई डाउट आता है तो आप स्क्रीनशॉट लेके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या मेल करके हमको पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट आ रहा है कैसे करेंगे। और अगर लाइक आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इससे व्यूज आते हैं तो हम और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को, वैसे तो मैंने इसे सोचा कि 3ds-Max कंप्लीट कोर्स आपको दें। हम देखिए लाइन कमांड है, लाइन कमांड देने के बाद जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करके चले लगेंगे, देखिए लाइन कमांड हो जाएगा। इस तरीके से क्लिक किया यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक किया, आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, तो फिर हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। हाँ, ये स्ट्रेट लाइन नहीं, बट अगर आपको स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे शिफ्ट बटन माउस जो होती है उसको कीबोर्ड में उसको क्लिक कर देंगे, इस तरीके से शिफ्ट प्लस ए स्ट्रेट लाइन। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे इसको फुल स्क्रीन कर दिया, आप चाहते हैं यहाँ पे ना कर्व शेप हो सर, तो कोई भी एडिटिंग करना हो तो एडिटिंग कैसे करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे अभी हम लोगों को जो सेटिंग रखी थी वो रखी थी कॉर्नर एंड वेजर। वेजर अभी मैं दिखाता हूँ क्या होता है। कॉर्नर मीन्स यहाँ कॉर्नर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ड्रैग टाइप, ड्रैग करें तो वेजर निकले, इनिशियल टाइप स्टार्ट करें तो कॉर्नर्स निकले। ओके, इनको राइट क्लिक करिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन। क्या करना है, लाइन खींचने के बाद राइट क्लिक, कन्वर्ट टू स्प्लाइन, और यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे आपको। पहला है वर्टेक्स, दूसरा है सेगमेंट एंड तीसरा है स्प्लाइन। If you want to select vertex, just click on vertex. इस तरीके से select करेंगे vertex आपका select हो जाएगा। ये vertex है। अगर आपको segment करना है, segment बोले तो put line. Spline means कहीं भी click कर दीजिए, सबका सब एक साथ select हो जाएगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे smooth shape चाहिए, तो जैसे यहाँ पे vertex लीजिए, right click करिए और यहाँ आपको मिलेगा smooth. देखिए ड्राइंग smooth. ये पे राइट क्लिक किया हमने और उसके बाद यहाँ पर हमने वेजर नाम की लगा दी, देखिए वेजर हो गया। अब बोलोगे सर ये क्या है,
तो दोस्त ये क्या है कि इससे ना हम लोग एडिट कर सकते हैं इसको, इसको हम लाइन को इस तरह से एडजस्ट करना है, लाइन को इस तरीके से एडजस्ट करना है, लाइन को इधर एडजस्ट करना है, लाइन को इधर एडजस्ट करना है, इस तरीके से। तो मतलब मेजर से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइन को अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं जिस भी शेप में हम चाहें। ठीक है, तो इस तरीके से जो एडिटिंग करनी हो हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, मैं यहाँ पर कॉर्नर क्लिक कर दिया, कॉर्नर नहीं स्मूथ, सॉरी स्मूथ चाहिए, हम लोगों ने स्मूथ यहाँ पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शेप को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर रेंडरिंग पर क्लिक करके इनेबल टू रेंडर एंड इनेबल व्यूपोर्ट करके इसमें देखिए थिकनेस आने लगी है, देखिए थिकनेस आ रही है इसमें, ये देखिए थिकनेस आ रही है। इसके थिकनेस को भी बढ़ा सकते हैं, कितना थिकनेस चाहिए देखिए, तो देखिए वही लाइन इस तरह दिखने लगी। अब बोलेंगे सर ये मुझे वॉल की तरह चाहिए, तो वॉल की तरह चाहिए तो आप यहाँ पे रेडियल ना क्लिक करके रेक्टेंगल पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे जो लेंथ देना हो इस तरीके से लेंथ आप बढ़ा दीजिए। यहाँ पर बीच में ग्रिड आ रही है तो ग्रिड को डिलीट करने के सब आपको कीबोर्ड पे जी क्लिक करना है। आपके सामने वॉल आ गई, और इस तरीके से वॉल का रेक्टेंगल जितना भी आपको साइज देना उतना साइज आप दे दीजिए, और इस हिसाब से इसको एज अ वॉल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा शेप, और भी इसमें सेटिंग्स आपको मैं आगे बताऊंगा, जिसमें यहाँ पे फिलेट कैसे करते हैं, ट्रिम कैसे करते हैं, चैम्पर कैसे करते हैं, बट अभी हमें एक एक शेप देखना है, इसके बाद वो सब लोग देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अ रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल लिया है इस तरीके से, इस रेक्टेंगल में भी आप सेम एडिटिंग कर सकते हैं, राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, एंड एडिटेबल स्प्लाइन बताने के बाद बताइए वर्टेक्स, मान लीजिए इसको स्मूथ करना है, इस पर राइट क्लिक स्मूथ इस तरीके से कर सकते हैं, और फिर ऑफ कर दीजिए इसको, ऑफ कर जरूर करिए, कभी कभी आप क्या करते हैं इसको क्लिक करके फिर दूसरे कमांड को क्लिक करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं, तो ऑफ जरूर करना है। देखिए सेटिंग पहले से हुई है, इसमें आप एंगल भी दे सकते हैं इस तरीके से एंगल दे सकते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसका एक्सपेक्ट चेक कर सकते हैं, इस तरीके से एक्सपेक्ट मिला सकते हैं, इसका कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब 3ds-Max के अंदर हम लोग बहुत सी एडिटिंग कर सकते हैं, इसलिए इसको मॉडलिंग सॉफ्टवेयर बोला जाता है। इस तरीके से मैं ले लिया, रेडियल में लेना है, देखिए रेडियल में ले लिया, जितना बढ़ाना बढ़ा दीजिए, जितने साइड्स बढ़ाने उतना साइड्स बढ़ा दीजिए, इतना स्मूथ हो जाएगा, जितना एंगल बढ़ाना है वो उतना एंगल भी आप बढ़ा सकते हैं। अब इसका एंगल आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल मूव करेगा तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा उसमें। नाउ नेक्स्ट इज सर्किल, सर्किल आपको पता है इस तरीके से सर्किल लिया, आपने ड्रॉ कर दिया, आप इसको ऑफ करेंगे तो प्रॉपर सर्किल देख सकते हैं इस तरीके से, जितनी रेडियस देनी हो उतनी रेडियस दे दीजिए। आपने यहाँ पे अगर एज क्लिक किया है तो ये एज से सर्किल बनेंगे, देखिए एज, और अगर आपने सेंटर क्लिक किया है तो ये सेंटर से बनेगा, ठीक है, ये अंतर रहता है। और उसके बाद इसकी एडिटिंग तो आप मतलब इसको तो स्मूथ वगैरह कर नहीं सकते, इसको सिर्फ रेंडर पे जाके इसके ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको खुद से करके देखिएगा। इसके बाद होता है एलिप्स, एलिप्स बहुत से जगहों पर शेप बनाने का काम करता है, इस तरीके से मिल गया। और इस तरीके से करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया एलिप्स पे, और कहाँ गया रेंडरिंग, और इन्हें पे जाके इन्हें बने पे जाएंगे रिपोर्ट, रेक्टेंगल कर दीजिए एलिप्स को, ये देखिए एलिप्स आपका इस शेप में आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको गुम्बद जैसा बना सकते हैं, और इसको हम लोग लेंथ दे सकते हैं इस तरीके से, ओके चिमनी जैसा शेप बना सकते हैं, विड्थ भी हम लोग और दे सकते हैं इसको जितना चाहे उतना विड्थ दे सकते हैं। इस तरीके से फुल सेटिंग से हम लोग एलिप्स को भी यूज कर सकते हैं। रेंडरिंग को आपको फिर बंद कर देना अगर आपका काम नहीं, ये देखिए आर्क ए, यहाँ पे आपने एक पॉइंट को क्लिक किया, दूसरे पॉइंट को क्लिक किया, हमने ड्रैग करके हमने क्लिक कर दिया तो हमारा आर्क बन गया। सेम सेटिंग विद आर्क, यहाँ पे भी रेंडरिंग करिए, यहाँ पे रेडियस आप डाल सकते हैं अपना जो रेडियस डालना, यहाँ पे फ्रॉम डाल सकते हैं कहाँ से स्टार्ट किया हमने आर्क को और कहाँ तक ले जाना है इसको आर्क को, ठीक है, और यहाँ पे टू आगे थोड़ा सा बढ़ाना है थोड़ा कम करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। डोनट, डोनट तो आपने डोनट स्किन भी करेंगे इस तरीके से होते हैं इसके, और इसका रेडियस वन रेडियस टू जितना भी रखना उतने अपने हिसाब से आप रख दीजिए। इसको आप रेंडरिंग पे जाएंगे, जैसे इनेबल एंड रेंडर और इनेबल इन रिपोर्ट करेंगे इस तरीके से।
पास प्लेन करना है, एंगल को जीरो कर दीजिए। इसके बाद ऑप्शन है आपके पास एंड जॉन। देखिए इस तरीके के पॉलीगॉन्स बनाते हैं, और इस तरीके से पॉलीगॉन बनाने के बाद उनके साइड्स को भी आप सही कर सकते हो, मतलब ज्यादा बढ़ा सकते हो। देखिए मैंने ऑटो कैड आपको पढ़ाया है, सब्सक्राइब इन सर्किल, सर्कमवॉर्ड सर्किल क्या होता है। इन सब्सक्राइब इन सर्किल में सर्किल हमारा आउटसाइड में रहता है और पॉलीगॉन इनर साइड में रहता है, और इसमें क्या बोलते हैं सर्कमवॉर्ड सर्किल में पॉलीगॉन हमारा सर्किल के एजेस को टच करता हुआ उसके अंदर से ही निकलता है। साइड्स इसके जितने चाहिए आप उतने साइड्स इसके बढ़ा दो, जितने साइड बढ़ाएंगे उतना सर्किल जैसा दिखने लगेगा, और जितना कम करेंगे उतना कम हो जाएगा। ठीक है, कॉर्नर सर्किल जितना कॉर्नर रेडियस है जो कॉर्नर से आपके ये यहाँ पर अगर आपको रेडियस चाहिए तो कॉर्नर रेडियस आप बढ़ा दो, कॉर्नर पर रेडियस आ जाए। इसको भी 3D में बनवाना है, सेम मेथड है, इनेबल इन मेट इनेबल इन रिपोर्ट, इस तरीके से पॉलीगॉन बन जाएगा। उसके बाद स्टार, इस तरीके से स्टार बना दीजिए, इसको भी रिपोर्ट बदल सकते, काफी अच्छा देखने में लगता है इस तरीके से। आगे टेक्स्ट एलिक्स एंड सेक्शन में लास्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे। आज के वीडियो में इतना ही, आप इसको प्रैक्टिस करिए, और नीचे जो भी आपको कमेंट करना है इससे रिलेटेड आप उससे कमेंट भी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला सर टेक्ला का वीडियो, हाँ जी टेक्ला का वीडियो संडे से मैं ला के ले आ रहा हूँ, मेरा ऑफिस रहता है तो थोड़ा सा मेरा टाइम कम मिल पाता है, तो टेक्ला का वीडियो हम संडे से फिर से लाने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।